just about to say that. Our Indian culture, especially the dance, the form, or Bilkul's dance, dance, that the whole total act was like. हर एक चीज कलर्स से लेके और ऐसे कुछ यू नो माय कारीगर और ऐसे लोग जिन्हें रिकग्निशन नहीं मिलता यू नो सच दे शोड अस ऑल ऑफ दैट दैट व्हाट ऑल इज देयर इन आवर कल्चर आई लव द कलर्स इट्स लाइक अ फेस्टिवल सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कलर्स को एंड इवन द सॉन्ग्स यू नो ऑडियंस भी हम सब भी आपको बहुत मिस कर रहे थे इससे पहले आपने माहौल बनाया था वो यहाँ से एंट्री हुई थी मेरा पंजारा कलेक्शन था छक्का एक बार मारता है उन्होंने मार दिया है 7 तारीख को मेरा फैशन जो दूसरा लाइन अप है तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आपको कॉम्पिटेंस देखेगा एक नए प्रस्तुति एक नए कलेक्शन के साथ और लोगों को भी मौका देना चाहिए सारे छक्के यही मार लेंगे तो बाकी क्या थैंक यू रोहित शर्मा ने भी बहुत छक्के मारे दोनों का बोलिए पूछिए रेडी अंकित तिवारी से कहा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुपर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जाए नहीं बट आप ही क्या कुछ बोलना चाहेंगे बताइए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस साल मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरे टाइम स्पेशल वीक को हम लोग टाइटन स्पॉन्सर हैं हर साल हम पार्टिसिपेट करते हैं एक कॉज के लिए जैसे हमारे अपने जो इंडियन कल्चर है इंडियन जो फैशन है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल पहले हमने अपने कारीगरों के लिए बुनकरों के लिए हमने ये शो रखा था और लास्ट ईयर हमने राजस्थान हेरिटेज जो हमारी कल्चर है रॉयल कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किए और दिस ईयर हम लोग गुजरात को जो इतना हम अपने आप में रिच कल्चर है पटोला जो है जैसे आप लोगों ने देखा वो सब लोगों ने शो इन्जॉय किया वहाँ के सॉन्ग तो है ही उसके फैशन को और भारत को भारत में अपने आप में फैशन ऑफ इंडिया एंड फैशन फ्रॉम इंडिया सो इनोवेटिव दैट ये वर्ल्ड ग्लोबली हम लोगों को लेकर जाना है इंडिया में यंग यूथ को ये हमारे एक एज लिमिट नहीं होना चाहिए रॉयल्टी जो है ये बच्चे भी इसको यूथ भी इसको अपनाएं इसके लिए हम लोग जो है इसको फ्यूज़न भी कर रहे हैं और इसको नए रूप में ला रहे हैं ताकि ये ग्लोबली हमारा पटोला बन सके और मैं आपसे जाना चाहूँगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने की क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी खुशी किस तरीके से मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में इंसान कुछ भी करे सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छा इंसान बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करती है जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव था पटोला जो कि मैंने बहुत करीब से आज देखा बहुत अनलाइक फैशन शो था उसमें डांस भी था म्यूज़िक भी था फैशन शो भी था बहुत एंटरटेनिंग था और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वो कल्चर जो आर्ट जो हमें दिखाया जो हैंडवर्क है बहुत कमाल का है जितनी मर्जी ने भी पहना बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा अंकित जी जिस तरह से पटोला ने इंडिया की कल्चर को बचा कर बना कर रखा है उसके बारे में क्या लेकिन इतनी खूबसूरती से ऑलरेडी उसका एक वीडियो बनाया हुआ था और पूरा कल्चर डिस्क्राइब किया है उसमें कि कैसे क्या होता है किस तरह से होता है और सिवा जो है इतनी खूबसूरती से जो अंदर प्रेजेंटेशन थी अच्छा लगा समझ में आया और बहुत ज़रूरी क्योंकि ऐसे हमने से लोगों को भी कल्चर समझ में आता है कि कहाँ पर क्या कल्चर है यार पटोला गुजरात से आता है मैं उन सब तक मुझे इतना नहीं पता यही हमारा एम है जैसे एक स्टेट तक ये लिमिट ना भारत में हमें इसे लेके जाना है भारत के बाहर भी लेके जाना है और निर्मल जी जो है ये पटोला के किंग है इनके कपड़े जो है मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं नीता अंबानी जी बहुत शौक से पहनती हैं और हमें पूरे
हाँ मैं भी। अब प्राइम मिनिस्टर जी को आपने पटोला पहनाया है एंड बहुत सारे लोगों को आपने पहनाया है, ये जो पटोला कल्चर है क्या बताएंगे आप इसके बारे में? पटोला फैब्रिक बोलते हैं, मतलब इस टाइप का जो फैब्रिक है वो बटो में कहीं भी नहीं बनता है, इसीलिए फैब्रिक बोल सकते हैं। जो मोदी जी है वो भी वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो मोदी जी पटोला को काफ़ी अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, कुछ देश सब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैच कर रहे हैं। कल कभी आप भी ऐसे हमें नाम पर नजर आ सकते हो पटोला वगैरह पहन के? डेफिनेटली, मुझे भी नहीं पता लेकिन जल्दी नजर। एंड लाइव म्यूजिक क्या लगता है आप इस तरीके से लाइव म्यूजिक के प्रोग्राम होना चाहिए? और लास्ट में मेरे सारे दोस्त जो यहाँ पे आए हैं आज इसको देखने के लिए अपना टाइम निकाल के, आज संडे का दिन है, क्रिकेट मैच भी चल रहा है, बट मैं हर एक को जो मेरे लिए यहाँ आए हैं और निर्मल जी को सपोर्ट करने के लिए और इसी शेड्यूल में से अंकित आपने और मेरे सारे दोस्त जो यहाँ पे प्रेजेंट है आज सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। लव यू ऑल। ए पीछे जा, पीछे जा। ऊपर में ना रिपोर्टर। पटोला। ऊपर। ऊपर। बहुत पटोला चाहिए। यार तू। पटोला जी। चार लोग हैं भाई, चार लोग आने को ये भी बिलाल के पांच बोले। अरुण थैंक यू, चलो नीचे चले भाई, चल चल फिर लेते हैं।